हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त किरण और आज फिर से आपके लिए बेहतरीन डीआईवाई लेकर के आई हूं। और यह डीआईवाई आपके बालों से लेकर के है दोस्तों। अगर आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, अगर आपका बाल बहुत ही ज़्यादा टूटता है, झड़ता है, डैंड्रफ है, बेरुखे हैं, बेजान है, तो आज का ये डीआईवाई आपको बेहद पसंद आने वाला है। आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ कि शैम्पू करने के बाद ये वाला नुस्खा आप अपना के देखिए और आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत, लंबे, घने, मुलायम हो जाएंगे दोस्तों। पहली बार के इस्तेमाल से आपको फ़र्क दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मैजिकल हेयर डीआईवाई, लेट गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज के डीआईवाई बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा, जो पहला इंग्रेडिएंट्स लिया है हमने वो हमारा है चाय का पत्ती। चाय का पत्ती का इस्तेमाल तो दोस्तों अक्सर हम चाय पीने में करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, इसके ऐसे गुण होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। इसके पहले मैंने चाय पत्ती की बहुत ही अच्छी अच्छी डीआईवाई शेयर किए हुए हैं। उसका दूसरा सामग्री आपको लेना है चावल। तो चावल यहाँ पे आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली जो आप खाना खाते हैं, पकाते हैं, वही चावल ले सकते हैं। चावल में बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में अच्छे अच्छे गुण होते हैं हमारे बाल को ग्रोथ कराने में, उसको बेरुखे बाल को, बेजान बाल को बहुत ही अच्छा करने के लिए, बेहद मुलायम बनाने के लिए आपको जो है चावल की ज़रूरत होता है। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, एक पतीला लेना है, उसमें आपको लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी रखना है, जितने भी आपके बालों की लंबाई है उतना पानी ले ले। और उसके बाद आपको सबसे पहले इसमें चावल, लगभग 2 से 3 चम्मच चावल डाल दीजिए। और चावल डालने के बाद आपको जो पहला आपने लिया था चाय का पत्ती, वो लगभग 2 चम्मच के आसपास डाल दीजिए। तो बहुत ही ईजी सा है, आराम से इसको आप जो है डेली वे में कर सकते हैं। डेली नहीं भी करिएगा तो सप्ताह में 2 दिन आप लगातार कीजिए, आपको पहले बार के इस्तेमाल से फ़र्क ज़रूर दिखेगा। आपको क्या करना है, इसको गैस पे रखना है, बहुत ही अच्छे से इसको उबालना है, 7 से 8 मिनट तक अच्छे से उबलने दें, ताकि इसके अंदर के जितने भी गुण हैं वो सभी के सभी जो है आपको पानी के अंदर आ जाए दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं लगभग इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छे से उबाल ली हूँ। ये देख सकते हैं इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है, और जो चावल है, चावल ने भी अपने बहुत ही अच्छे गुण जो है पानी के अंदर छोड़ दिए हैं। और इस तरीके से होने के बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छे से आप चाहे तो पहले ठंडा कर ले, या फिर आप चाहें तो इसको आप पहले छान ले और फिर उसका ठंडा करें। तो बहुत ही बढ़िया हमारा हो चुका है, मैंने यहाँ पे जो है बंद कर दिया है गैस को। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको छान लेना है दोस्तों। बहुत ही अच्छे अच्छे गुण होते हैं इसके दोस्तों, आपको बहुत ही फ़र्क नज़र आएगा पहली बार के इस्तेमाल से ही। तो बस ये देखिए बहुत ही अच्छे से हो चुका है हमारा, इसको हम छान लेते हैं। छानने के बाद इसको क्या करना है, आपको अच्छे से ठंडा कर लेना है। ये देखिए, या तो पहले ठंडा कर लीजिए या फिर बाद में ठंडा कर लीजिए, आपको जैसे मन हो वैसे कर सकते हैं, लेकिन ठंडा करके ही लगाना है। अब इसको आप यूज़ कैसे करें दोस्तों, यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो चावल और चाय पत्ती बचा है इसको आप पीस करके अपना फेस पैक बना सकते हैं, या फिर आप अपने बालों के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों का जो है मास्क रेडी कर सकते हैं। तो इसको फेंके नहीं, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा ये भी आपके बालों के लिए। अब जो हमारा ये पानी बचा है, इस पानी को आपको क्या करना है, शैम्पू कर लेना है। आपको करने के बाद आना है, बहुत ही अच्छे से आपको शैम्पू कर लेना है अपने बालों में। और बालों में शैम्पू करने के बाद आपको क्या करना है, इस पानी को ठंडा करने के बाद इस पानी से अपने बाल को अच्छे से धो लेना है। मतलब पानी को ऊपर से आपके बाल के जैसे शैम्पू करते हैं, ऊपर से आपको पानी से इसको धो लेना है। और धोने के तुरंत बाद नहीं, आपको नॉर्मल पानी से नहीं धोना है, धोने के लगभग 10 से 15 मिनट आपको उसको अपने बालों पे रखना है। 10-15 मिनट, 15-20 मिनट रखिए, और उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से इसको धोना है दोस्तों। शैम्पू नहीं करना है, शैम्पू करिएगा तो क्या होगा, फिर से सारा इसका जो गुण है बालों में जो गया है वो हट जाएगा, क्योंकि बालों के ऊपर एक लेयर बना देगा आपका, और आपके बाल जो है ना बेहद मुलायम खूबसूरत होगा। और डबल जैसे 2 महीने बाल है, टूटते झड़ते हैं, बेजान है, तो बहुत ही फ़र्क दिखेगा दोस्तों। बहुत ही इफेक्टिव सा डीआईवाई है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से शैम्पू करने के बाद आपको अच्छे से अपने बालों पे इसको ऊपर से लगा लेना है, 15 से 20 मिनट तक अपने बालों पे छोड़ देना है, और उसके बाद इसको आपको नॉर्मल पानी से वॉश करना है।
इस तरीके से आपको बालों को फोल्ड करके रखिए और नॉर्मल पानी से 15-20 मिनट का इसको धो लीजिए। पहले बार के इस्तेमाल से अगर आपको फर्क ना दिखे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों। जितने भी इफेक्टिव DIYs होते हैं सभी के सभी मैं आपको जो है शेयर करती हूँ, और सभी के सभी DIYs बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं बालों के लिए। बाल लंबे, घने, मुलायम होते हैं। सबसे ज़्यादा होता है आपके बाल अगर बहुत ही ज़्यादा बेजान है, बालों को नरिशमेंट देता है दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो ज़रूर ट्राई करिए आज का ये DIY, और अच्छा लगे आपको आज का ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आप सबसे फिर से मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छे DIY के साथ, एक मेकअप ट्यूटोरियल के साथ, एक ब्लॉग के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और बताइए ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून।